जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। 2016 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें हम सेट ए को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके आधार पर आप लोग 2024 में तैयारी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरे सिलेबस अनुसार दोस्तों यहाँ पे क्लासेस अपलोड होती है, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन का न्यू सिलेबस का वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सबस्क्रिप्ट H2O जैसे करेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। कौन से की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इक्वल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? कौन सा है दोस्तों? साइरस बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गूगल पे आप लोग टिक नहीं करेंगे, साइरस है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है? वैज्ञानिक सूचना के लिए, ठीक है। आम लोग, आप और हम गूगल का उपयोग करते हैं। याहू का भी उपयोग पहले होता था, बट नॉर्मली अभी गूगल का उपयोग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सूत्र में सेल एड्रेस पता $A, $4 का मतलब होता है। क्या मतलब होता है? एब्सोल्युटली रेफरेंस बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी नीचे कमेंट करते रहिएगा दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। चौथे नंबर का क्वेश्चन है। मोइंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप शॉर्ट नेम है MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? वीडियो को। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। क्या फंक्शन है? उपरोक्त सभी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, ये सभी है। इस कारण डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जिटर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आगे वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? WORM, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विंडोज और डार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। क्या योग्यता है? मल्टीटास्किंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक अबेंडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉजिक बम, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? कितने अंक कर सकता है? 20 अंक, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? कौन सा सर्वर है? POP3, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं बचाता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंटीवायरस, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 MCQs का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इसी बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इसी बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन हो गया, PSC हो गया, पुलिस का हो गया, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करेंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं, प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इसी बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इतने चीजें आपको इसी बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है
तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपए, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपए में इसे आप खरीद पाएंगे, ठीक है। 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपए खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया, ठीक है। खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, किसके उपयोग से? CDR, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों, इनपुट है या आउटपुट है? आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कूट वाला पूछा गया था, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड खतरे है? यहाँ पे दोस्तों ए से ई तक दिया गया है, उसके बाद आपको कूट मिलान करके आंसर देना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? सी, ए बी सी और ई, ठीक है। ए है दोस्तों इंटरप्शन, ठीक है, उसके बाद बी है दोस्तों इंटरसेप्शन, उसके बाद सी है मॉडिफिकेशन, उसके बाद ई है दोस्तों फैब्रिकेशन, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर है, क्लियर है, कोट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? स्पेलिंग चेक के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो कीबोर्ड में आप ऊपर बटन देखेंगे, 1 से लेके 12 तक होता है, F1, F2, F11, F12, ठीक है, ऐसे रहता है 1 से लेके 12 तक। तो स्पेलिंग चेक के लिए कौन से बटन का उपयोग करते हैं? F7, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विषय वस्तु एवं उनके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोरी बोर्ड, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, किसका? डेड लॉक रोकने के लिए, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? कौन से क्षेत्र है दोस्तों? उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी करता है, विज्ञान में भी करता है, शिक्षा में भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? पेज मेकर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का इंजन खाली स्थान है, कौन सा है? बिंग, ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यता एक मास्टर के अधीन होता है, क्या होता है दोस्तों? क्लस्टर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है, खाली स्थान कहलाती है। इस क्वेश्चन को दोस्तों विलोपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 24वें नंबर क्वेश्चन आया था, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? फिल रेट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? गूगल वॉलेट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64-bit प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? कौन सा करता है दोस्तों? विंडोज SP, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज SP दोस्तों अब देखने को नहीं मिलता है, पहले ये चलता था, अब आप लोगों को विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 देखने को मिलेगा। जो सिस्टम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, विंडो 10 चल रहा है, ठीक है, ये 64-bit को सपोर्ट करता है। पहले के कंप्यूटर में दोस्तों 34-bit होता था, ठीक है। विंडोज SP आने के बाद दोस्तों 64-bit प्रोसेसर का प्रचलन चला,
इससे पहले दोस्तों 34 बिट प्रोसेसर लगता था, और अभी जितने भी विंडोज वर्जन है दोस्तों उसमें 64 बिट प्रोसेसर लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? कौन सा है? नोटबुक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापम के द्वारा प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मॉर्निंग में मैंने दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो कौन से प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंक ईमेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पैम। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? कौन सा नहीं करता है दोस्तों? ट्राजन हार्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? किस तरह होता है दोस्तों? रो तथा कॉलम में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंट हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है, कितनी कर सकती है दोस्तों? 1.44 MB। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है, नया फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों Ctrl+N। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+N दबाएंगे तो एमएस वर्ड में नया फाइल खुल जाएगा। ठीक है, नया फाइल खोलने के लिए यूज किया जाता है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिंटर की गति मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। PPM है, LPM है, CPS है, ये सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? कौन सा है दोस्तों? डी आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये आईपी एड्रेस सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नया टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? कौन सा है दोस्तों? क्रॉलर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है दोस्तों? डॉक। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? कौन से कॉम्बिनेशन से खोला जाता है दोस्तों? Alt+Ctrl+Del। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डेल लिखा है दोस्तों, ये डिलीट बटन को दबाया जाता है। ठीक है, Alt+Ctrl+Delete बटन, यहाँ पे डेल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? कौन सा है दोस्तों? इंटेलिजेंट टर्मिनल। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाती है, कौन सा है दोस्तों? वर्म। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वायरस पे आप लोग टिक नहीं करेंगे, वर्म। यहाँ पे जो भी आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, व्यापम की तरफ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सीडी की भंडार क्षमता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है दोस्तों? मेगाबाइट में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेगाबाइट में मापा जाता है सीडी की भंडार क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फेमिल हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? कौन सा है दोस्तों? ECL। ECL है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा है? कॉम। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को और इसका आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सर्च करके जाना चाहते हैं तो StateGK.in। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे StateGK.in तो आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स है, इसको विलोपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? एप्पल। ठीक है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों?
पॉलीमॉर्फिक का उदाहरण है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है। ये क्वेश्चन को दोस्तों अभी मैंने सुबह कंप्यूटर का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कराया था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों सीपीयू कहा जाता है, ठीक है, सीपीयू। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, कंप्यूटर का वीडियो मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। किसको क्लिक करके जाया जाता है दोस्तों, हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक को क्लिक करके जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको भी विलोपित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है। चाय दोस्तों चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को मैंने कराया है, हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है और भी आगे वीडियो अपलोड होते रहेगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिंदी का है 52 नंबर का, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन से संधि है दोस्तों, अयादि संधि, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र में अयादि संधि है, ठीक है। आगे देखिए, 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए, कौन सा है, लड़का, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, रसाल, ठीक है, रसाल पर्यायवाची शब्द नहीं है कमल का, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निश्चयात्मक वाक्य है, ठीक है, निश्चयात्मक वाक्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या अर्थ है, नींद आना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है। कौन सा है दोस्तों, द्वंद समास, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, कठिन रहता है, ऐसा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है। कौन सा हो जाएगा, कुर्ता, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कुर्ता वस्त्र पुल्लिंग है, ठीक है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा सही हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है, अरबी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित और अंग्रेजी को हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य ज्ञान से, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया। कौन से स्थान पर किया है दोस्तों, सिंगापुर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई। कौन से योजना है दोस्तों, बंबई योजना, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कूट वाले प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कूट का प्रश्न है, ठीक है, नीचे आप लोग देखेंगे तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, इनमें से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख लिए और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें सी सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक ही फ्रेम में दिखाना पॉसिबल नहीं है कूट वाले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी सही है दोस्तों, टर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। कौन से नदी पर बनाया गया है दोस्तों, चंबल, चंबल नदी में, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन वाले हैं, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग दो कथन दिए गए हैं, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे है, ठीक है, ये कथन दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सत्य है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यहाँ पे आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, यहाँ पे नहीं है पूछा गया, ठीक है, तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं दोस्तों सभी सही हैं।
मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, ये सही नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? ये करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पर भी आप लोग देख सकते हैं कितना है, 0.828, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह के सुसुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? इस क्वेश्चन को भी विलुप्त किया गया था, कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सुसुप्त ज्वालामुखी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कृषि से, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर है और आंसर आप लोग को पता नहीं है तो वहां पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ए सेट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 101 नंबर, देखिए क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से समझिएगा। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमाधिदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार, परीक्षा जारी करने का अधिकार है? किसमें दोस्तों, उच्च न्यायालय में, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? कौन सी नदी पे दोस्तों, तीस्ता नदी पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं कहाँ से दोस्तों, हम्पी में, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की? कौन सी तिथि को की थी दोस्तों, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत है? ये भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 2014 का है, आप लोग को 2024 का देखना है, बट आप लोग को पता होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों 2014-15 का करेंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी कूट वाला प्रश्न है। 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? यहाँ पे सही पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम कूट वाले प्रश्न है, एक ही फ्रेम में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? किस कारण से दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर देखिएगा, बहुत लंबा दिया गया है, एस तक दिया गया है। सही आंसर है दोस्तों सी, ए बी सी ई और एच, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके डायरेक्टली भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंध है? कौन सा है दोस्तों, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, सी सही हो जाएगा, 257.1 मिलियन टन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2014-15 का करेंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है दोस्तों राज्य की सामान्य जानकारी, ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, पहले में दोस्तों करेंट अफेयर है तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 15-16 का करेंट अफेयर है, आप लोग को 2024 का पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम कुंभ मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है दोस्तों, कोयला, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रमुख खनिज पूछा गया है तो कोयला है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? कहाँ पे किया गया है दोस्तों, नया रायपुर में, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कंवार, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंवार है, बैगा है, अबुझ माड़िया, ये शामिल है, ठीक है, कंवार ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? कहाँ पे हुई है दोस्तों, सोनाखान में, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान से आते थे, आप लोग को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में है? सरगुजा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला, जिसे हम पहली कहते हैं, पांच भाई के एक अंगना इस राज्य में प्रचलित है? कौन सा है दोस्तों? हथेली। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? छत्तीसगढ़ का मैंने लगभग 200 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो किस वर्ष में हुआ था? 1937 में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो किसके समक्ष? अनुविभागीय दंड अधिकारी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित होता है? कौन से स्थान पे होता है दोस्तों? बिलासपुर में। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चक्रधर समारोह भी होता है रायगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर सम्मिलित किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों? गैर आयोजनागत व्यय। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है? कौन सा है दोस्तों? चंपारण। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग राजिम जाते हैं दोस्तों तो चंपारण भी जा सकते हैं, नया पारा के पास में है चंपारण। ठीक है, पर्यटन स्थल है दोस्तों चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? कौन सा कर है दोस्तों? वाणिज्य कर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? कौन से नाम से जानी जाती है दोस्तों? झारा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। पूरे 150 क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वहां पे मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ आप क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो की रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।